डेटर्स, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन तीनों को हम साथ साथ देखेंगे। डेटर्स वो जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे हमें पैसा लेना है। मान लेते हैं हमने सेल करी है एसी की, मान लेते हैं हमने एसी की 2 लाख रुपए की सेल करी है। ये जो हमने सेल करी है एसी की, ये हमने क्रेडिट पे करी है। जब हमने क्रेडिट पे सेल करी तो ये 2 लाख रुपए हमें अभी मिलने हैं, इसकी पेमेंट अभी हमें अभी मिलनी है। अब ये जो हमने एसी की सेल की है, मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये 4 लोग हैं, इन सब से हमने 50-50 हजार लेने हैं। सेल हमने करी क्रेडिट पे, ये 2 लाख रुपए हमने इन 4 लोगों से लेने हैं। ये 4 लोग क्या हुए, हमारे डेटर्स, जिनसे हमें पेमेंट लेनी है, जिनसे हमें पैसा लेना है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, इन 4 से हमें पैसा लेना है। ये 4 हमारे डेटर्स हुए। अब मान लेते हैं कि इन 4 में से मिस्टर बी कहीं भाग गया, रातों रात वो बिना बताए कहीं भाग गया, उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो ये मिस्टर बी हमारे लिए क्या होगा, इसे ये मिस्टर बी होगा हमारे लिए बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब मिस्टर बी, इसने हमें पेमेंट नहीं करी, ये कहीं भाग गया या कुछ भी हो गया, इसकी कंपनी डूब गई, कुछ भी ऐसा केस हो गया, तो ये 50 हजार, ये जो मिस्टर बी है, ये हमारे लिए बैड डेट्स है। डेटर्स वो जिनसे हमें पैसा लेना है, बैड डेट्स वो जिन्होंने पैसा दिया नहीं, जो पैसा हमारा डूब गया। अब मान लेते हैं कि ये मिस्टर बी तो पैसा लेके भाग गया, ये तो श्योर है, इसकी तो श्योरिटी हो गई कि इसका पैसा तो अब आएगा ही नहीं, ये श्योर है बिल्कुल, बैड डेट्स बिल्कुल श्योर है कि हाँ इसका पैसा अब नहीं आएगा, अब कभी भी नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं कि मिस्टर डी बीमार चल रहा है, क्योंकि ये अकाउंट्स जो हमारे बनेंगे, ये बनेंगे हमारे 2019 के, हम ऐसा मान के चल लेते हैं, हम 2019 के अकाउंट्स बना रहे हैं। लास्ट में जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, हम अपने डेटर्स वहां दिखाएंगे एसेट्स में। एसेट्स में क्यों, क्योंकि डेटर्स से पैसा आना है, ये हमारे एसेट्स हैं। मिस्टर डी ये बीमार चल रहा है, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 2019 के एंड में, एंड में मतलब मार्च में। बैलेंस शीट बनाते बनाते अचानक से हमें ख्याल आ गया कि ये जो मिस्टर डी है, ये तो बीमार चल रहा है, पता नहीं ये 2020 में रहे या ना रहे, हो सकता है इसकी पेमेंट ना आए। हमें ऐसा एक डाउट हो गया कि पता नहीं इसकी पेमेंट आए या ना आए, हमें श्योरिटी नहीं है कि इसकी पेमेंट आएगी। हम इस मिस्टर डी को क्या करेंगे, हम इसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में डाल देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब जिन पर डाउट है, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो ठीक भी हो जाए और हमें हमारा पैसा भी दे दे वापस, लेकिन हमें डाउट है, इस पर हमें डाउट है कि हो सकता है ये पैसा हमारा डूब जाए, इसकी तो श्योरिटी हो गई, ये तो पैसा डूब गया, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो लेकर भाग गया हमारे पैसे, इसकी तो श्योरिटी है, इस पर हमें डाउट है कि शायद वो मिस्टर डी जिनसे हमें पैसा लेना है, शायद वो 2020 में हो या ना हो, वो अपनी पेमेंट कैसे करेगा, या वो अपने
बीमारी में सारा पैसा लगा चुका है, अब उसके पास पैसा नहीं है, हमें इस पर डाउट हो गया कि इसका पैसा अब शायद ही आएगा, पक्का नहीं है, हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए, तो जिस पर थोड़ा भी डाउट होगा हम उसके लिए बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, जिन्हें हमें क्रेडिट में सेल करी हुई है जिनको हमने, और इन सब से हमें पैसा लेना है, जिनसे पैसा आया ही नहीं, श्योरिटी हो गई बिल्कुल, उनसे पैसा हमें 2019 में आना था, वो आया ही नहीं, ये पैसा लेकर भाग गया, ये है हमारे बैड डेट्स। जिन पे हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि शायद उनका पैसा आए या ना आए, हो सकता है कि वो पैसा दे भी दे, हो सकता है वो पैसा ना भी दे, ये है हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जिन पे हमें डाउट है कि शायद पैसा ना आए, तो इसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं। प्रोविजन क्यों बना के रखते हैं? डेटर्स हैं हमारे एसेट्स, ये हमारे एसेट्स होते हैं। बैड डेट्स ये भी हमारे P&L में जाते हैं, P&L अकाउंट में क्यों जाते हैं अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, और ये भी हमारे P&L अकाउंट में जाते हैं, क्यों जाते हैं? डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, ये हमें बैलेंस शीट में दिखाने होते हैं। जब हमने एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाए, मान लीजिए ये हमारी बैलेंस शीट है और यहां हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स में आते हैं हमारे डेटर्स, ये 2 लाख रुपए जो हमने लेने थे, हमने ये 2 लाख रुपए दिखा दिए। अब ये जो 2 लाख रुपए हैं, इसमें से 50,000 रुपए तो आए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आए। हम इस 50,000 को P&L में दिखा देंगे, क्योंकि हमें अपनी बैलेंस शीट टैली करवानी है। इसे हम बैड डेट्स में यहां दिखा देंगे, एक्सपेंसेस में 50,000, और ये वाले जो 50,000 है जिसपे हमें थोड़ा भी डाउट है, इसे भी हम P&L में दिखाएंगे। अभी मैं आपको रफली बता रही हूं, जब हम ये सब अकाउंट्स बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी ये सब, ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूं। ये भी 50,000 यहां दिखा देंगे, क्यों? क्योंकि जब हमने प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें लॉस मान के चलो, ये जो हमारे 1 लाख रुपए नहीं आए, ये तो आए ही नहीं, इसकी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है आप भी जाए, हो सकता है ना आए, क्योंकि ये 2020 में आएंगे, जब आएंगे तब देखेंगे, तब हम 2020 के अकाउंट्स में इसे देखेंगे, लेकिन अभी हम 2019 के अकाउंट्स बना रहे हैं। तो ये जो 50,000 रुपए हमारे पास आने हैं या नहीं आने, हमें इसकी श्योरिटी नहीं है, हम इसे भी एक्सपेंस मान के चलेंगे, और ये जो बिल्कुल आए नहीं इसको तो हमने एक्सपेंस ही मान लिया, क्योंकि ये 1 लाख का हमें प्रॉफिट होना था, हमने सेल करी थी 2 लाख की, 1 लाख रुपए तो हमारे एक तरह से डूब ही गए, हमने इस 1 लाख को अपना एक्सपेंस मान लिया। प्रूडेंस कंसेप्ट में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, जिन पे हमें डाउट है, हम उन्हें एक्सपेंस मान के चलेंगे। तो ये 1 लाख रुपए हम एक्सपेंस मान के चलेंगे, इसलिए हम इन्हें P&L अकाउंट में दिखाते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है कि ये दोनों P&L में जाते हैं और ये हमारे डेटर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे डेटर्स कितने के दिखाएंगे? 1 लाख रुपए के। ये डेटर्स वो हैं जिनका पैसा आना है, ये श्योर है कि इनका पैसा तो आएगा ही आएगा, ये श्योरिटी है कि इसका पैसा डूब गया, बैड डेट्स का पैसा डूब गया, ये डाउटफुल है, हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए। डेटर्स श्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा, बैड डेट्स श्योरिटी है कि पैसा डूब गया, अब वो पैसा हमें नहीं मिलेगा कभी भी। प्रोविजन डाउट है, ये हमने पहले से एक प्रोविजन बना के रखा है, ये एक डाउट है, पैसा आ भी सकता है और पैसा नहीं भी आ सकता है,
हो सकता है कि मिस्टर डी ठीक हो जाए और हमें हमारी पेमेंट कर दे, या हो सकता है कि मिस्टर डी सारे पैसे अपने इलाज में खर्च कर दे। तो ये एक डाउट है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा डेटर्स, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, जिन्हें हमने सेल करी हुई है क्रेडिट पे, उनसे हमें पैसा मिलेगा। बैड डेट्स जिन से पैसा डूब चुका है, पैसा लेना था लेकिन ये लोग भाग गए, ये मिस्टर बी भाग गया कहीं, तो ये है हमारा बैड डेट्स जो P&L अकाउंट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मिस्टर डी जिस पे थोड़ा भी हमें डाउट है कि पैसा आए या पैसा ना आए, हमें कंफ्यूजन है, हमने उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना ली है, ये है डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये भी P&L अकाउंट में जाएगा।